कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तेरा मयंक को श्रद्धांजलि देने जाने का बहुत मन कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं जब परिवार वालों की इच्छा नहीं है तो? आज के दिन खामखा वहां पर जाकर तमाशा खड़ा करने का मतलब नहीं है। अर्शा, तुम कब आई बेटा? बस अभी आई बाबूजी, गाड़ी बाहर ही खड़ी की है, फंक्शन खत्म होते ही तुरंत लौट जाऊंगी। इतनी जल्दी वापस जाना जरूरी है क्या बेटा? हाँ बाबूजी, कम से कम झूठी शांति तो मिलती है वहाँ। लेकिन बेटा, मयंक की बहू बहुत अकेली पड़ जाएगी। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीने से बस डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा हूँ, अब ऐसे में ऑफिस में ध्यान कैसे दूं? कुछ समझ में नहीं। भैया, एक्सक्यूज मी। हाँ हार्दिक। भैया, ये नरेंद्र ने आज मीडिया वालों को बुलाने से मना किया है क्या? हाँ, बस आई होप ये दोनों माँ बेटी ना पहुंचे। यू नो व्हाट, आई मिस मायरा। जो दूसरों के वायरल वीडियोस देखकर इस तरह एंजॉय नहीं किया करता था, बल्कि खुद उन वायरल वीडियोस का पार्ट हुआ करता था। रिलैक्स मॉम, आप भी ना योग शुरू कर दीजिए, सुबह सुबह की लंबी सांसें आपका भी मन शांत कर देंगे। एंड कम, साथ में ना भाई को डांस करते हुए देखते हैं। वैसे मानना पड़ेगा भाई को, क्या नेता है और क्या अभिनेता। बंधु, द्वार पर वंदन वार बांधकर और नारियल पधारकर अस्पताल का उद्घाटन करें। जी पंडित जी। मयंक की पत्नी के हाथों ये शुभ काम कराया जाए। जी जरूर। लेकिन आम के पत्ते का वंदन वार दिख नहीं रहा कहीं। मैं अपने साथ लाई हूँ गुरुजी।